हर साल 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को एपिलेप्सी यानी मिर्गी के प्रति जागरूक करना है। दरअसल मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है, जिससे तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधि में रुकावट आने लगती है और मरीज के दिमाग में असामान्य तरंगे पैदा होने लगती है। मस्तिष्क में गड़बड़ी होने के कारण व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति का दिमागी संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है और उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है। वहीं इसे लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि कई बार लोग इन्हें तांत्रिक भ्रांतियां समझ लेते हैं, जिससे मरीज के तंत्रिका तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता रहता है और शरीर लगातार कमजोर होता रहता है। ऐसे में कई बार मरीज की जान भी चली जाती है। मिर्गी का इलाज एंटी सीजर दवाओं से किया जाता है, जिसमें मरीज को विटामिन मैग्नीशियम की दवाइयां दी जाती है। हालांकि मिर्गी का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से भी किया जाता है, लेकिन जितना जल्दी डॉक्टर की सलाह से इलाज शुरू किया जाता है, मरीज उतना ही जल्दी स्वस्थ हो सकता है। इससे ये फायदा हो गया कि हमारे देश में इसके इलाज की सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। सरकारी अस्पतालों में दवाएं फ्री मिलती है और अच्छी क्वालिटी भी मिलती है और लोग इस बीमारी को पहचानने लग गए, इसका इलाज कराने लग गए। हाँ, हम देखते हैं लोग नियमित रूप से इसकी दवाई खा रहे हैं और अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। पहले इसके बारे में अंधविश्वास हो गए थे, वो कम हो गए हैं। लोग इसको समझने लग गए कि इसका जो दवाई है लगातार चलेगा। अब कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से कई बार मुसीबतें आई हैं कि लोगों को दवाई समय से नहीं मिल पाई और लोग समय पर इलाज नहीं कर पाए, उसकी वजह से लोगों को कई बार ज़्यादा दौरे के सामना करना पड़ा है, परेशानी हुई है। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन हटाए तो वापस इसका इलाज कराने लग गए और हमारे देश में भी जो नई जो रिसर्च हो रही है, नई दवाएँ वो मिलने लग गई हैं और सरकारी अस्पतालों में दवाएँ मुफ्त मिल गई। ये काफ़ी सुधार।